Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today I am going to discuss with you primate characteristics, a comparative account. Here are some generalized and specialized characteristics of order primates. First we know what do we mean by generalized and specialized characteristics. The generalized characteristics are those features which are not exclusive of primates, and these are exhibited by other classes and orders. For example, some character of other mammals, other orders of class Mammalia and other classes of division Vertebrata have been retained by primates. So, aise characteristics jo ki dusre classes mein bhi, matlab Mammalia class ko chhod kar dusre classes mein bhi paaye jaate hain, ya vertebrates mein jitni bhi classes hoti hain, ya dusre orders mein jo hote hain Mammalia ke, un sabhi mein agar wo characteristics paaye jaate hain jo ki primate order mein bhi paaye ja rahe hain, to aise characteristics ko hum generalized characteristics kehte hain. Means the characteristics which are retained by the order primates, means which are retained by the member of order primates, these characteristics are called as generalized characteristics, means these are not exclusive of order primate. ठीक है, अब specialized characteristics वो characteristics होते हैं the which are developed in the primate because of their adaptation to different environments. तो ये प्राइमेट्स के ही एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या इनके स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्योंकि जब प्राइमेट्स डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में अडॉप्ट करते हैं तो उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डेवलप होती हैं उनके बॉडी में, जो फीचर्स डेवलप होते हैं उन्हीं को हम स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. तो जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले भी पिछली क्लासेस में कुछ प्राइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी, पर जनरलाइज्ड क्या होती हैं और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वी कम टू जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर वन इज पेंटाडेक्टाइल लिम्स. अब जो पेंटाडेक्टाइल लिम्स है वो जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमेट का. मीन्स प्राइमेट के जो मेंबर्स हैं उनमें ही सिर्फ नहीं पेंटाडेक्टाइल लिम्स पाई जाती, बल्कि वर्टिब्रेटा में जितनी भी क्लासेस आती हैं उन सभी में जो है ऑल वर्टिब्रेट्स में पेंटाडेक्टाइल लिम्स पाई जाती है, और यही कैरेक्टर हमको प्राइमेट में भी दिखाई देता है. तो दैट इज व्हाई इट इज अ जनरलाइज्ड फीचर ऑफ प्राइमेट. Another characteristic, that is a claw which is called as toilet claw. It is found on the second digit of each foot. इन मतलब प्रोजीमियंस में पाया जाता है ये हमको, मतलब देखा जाता है जिसमें कि लेमुर है, टार्जियस है, लॉरिसेस है, उनमें जो है टॉयलेट क्लॉ पाई जाती है. लेमुर में ये मॉडिफाइड नेल के रूप में टॉयलेट मतलब क्लॉ होती है. ऑल द नेल्स आर मॉडिफाइड नेल्स एक्सेप्ट जो सेकेंड डिजिट है वो उनके फुट का, वो टॉयलेट क्लॉ के रूप में डेवलप होता है. और लेमुर में सभी डिजिट्स नेल्स होती है एक्सेप्ट सेकेंड डिजिट ऑफ हाइंड लिम. एंड इन टार्जियस ऑल द नेल्स एक्सेप्ट सेकेंड एंड थर्ड डिजिट्स. टार्जियस में सभी नेल्स होते हैं और सेकेंड और थर्ड डिजिट को छोड़ के, जो कि टॉयलेट क्लॉ में मॉडिफाइड हो जाते हैं. तो क्लॉ इज नॉट मॉडिफाइड नेल इन टार्जियस. ऑल आर नेल्स एक्सेप्ट द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट विच आर यूज्ड एज ए टॉयलेट क्लॉ, मीन्स ग्रूमिंग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं. एंड सिंपल कस्ट पैटर्न होता है ग्राइंडिंग मोलर्स. तो क्लॉ जो होता है वो जो अदर ऑर्डर्स हैं मतलब ये मैमेलिया के, उनमें भी क्लॉ पाई जाती है या दूसरे मैमल्स में पाई जाती है, और वही कैरेक्टर प्राइमेट में भी हमको दिखाई देते हैं लेमुर एंड टार्जियस में. और सिंपल कस्ट पैटर्न जो ग्राइंडिंग मोलर्स का, वो भी एक ये कैरेक्टर है जो कि हमको प्राइमेट्स में दिखाई देता है, जैसा कि दूसरे मैमेलिया में भी होता है. क्लेविकल रिटेंड होता है. क्लेविकल इज ऑल्सो फाउंड इन अदर मैमेलिया एंड प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा भी यहाँ पर पाया जाता है जो कि मैमल्स में, दूसरे ऑर्डर्स में भी प्लेसेंटा हमको मिलता है. तो इस तरह ये फीचर्स क्या हो गए, जनरलाइज्ड फीचर्स हो गए. और स्पेशलाइज फीचर वो है जो जो सिर्फ हमें प्राइमेट्स में ही दिखाई देते हैं. फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्री हिंसाइल पेंटाडेक्टाइल लिम्स फॉर ग्रास्पिंग पर्पस, स्पेशली इन एडेप्टेशन टू आर्बोरियल लाइफ. इनर मोस्ट डिजीज ऑफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एक्सट्रीमिटीज अपोजेबल. तो प्राइमेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला जो है पेंटाडेक्टाइल लिम्स तो होती ही है जो कि जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये जो पेंटाडेक्टाइल लिम्स है ये प्रीहेंसाइल होती है, मीन्स ये ग्रास्पिंग पर्पस के लिए यूज की जाती हैं.
यहाँ पर पेंटाडेंटाइल लिम्स होती है जो ग्रास्पिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है, प्रिहेंसाइल लिम्स होती है सपोर्ट करती है, बैलेंसिंग ऑर्गन होती है एंड ये यूज फॉर ग्रेस्पिंग स्पेशली इन एडॉप्टेशन। तो जो आर्बोरियल लाइफ होती है मतलब प्राइमेट्स में, जिसमें कि खासकर प्रोसीमियंस आते हैं और जो एंथ्रोपोइड्स हैं उनमें भी, जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है या एप्स है उनमें भी आर्बोरियल लाइफ पाई जाती है। तो इनर मोस्ट डिजिट जो है उनमें एक पेयर, जो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एक्सट्रीमिटीज अपोजेबल होता है, किसी किसी में दोनों पे मतलब डिजिट इनर मोस्ट अपोजेबल होते हैं, टो भी और ग्रेट मतलब थम भी, लेकिन कुछ प्राइमेट्स होते हैं जिनमें थंब ही अपोजेबल होता है। तो यहाँ पर प्रीइंसाइल पेंटाडेंटाइल लिम्स और इसमें इनर मोस्ट डिजिट ऑफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एक्सट्रीमिटीज अपोजेबल, ये पाया जाता है प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। फिर सेकेंड है नेल्स इन द प्लेस ऑफ शार्प क्लॉज इन अर्लियर मैमल्स। तो जो ज्यादातर जो जितने भी मैमल्स थे इसके पहले उनमें सब में हमको क्लॉज दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है नेल्स हैं। तो नेल्स यहाँ पर डेवलप हुए हैं इन केस ऑफ प्राइमेट्स, व्हाइल इन अदर ऑर्डर्स ऑफ मैमल्स दे आर ओनली वी कैन फाइंड क्लॉज इन प्लेस ऑफ नेल्स, बट हियर नेल्स इन प्लेस ऑफ शार्प क्लॉज इन ऑफ अर्लियर मैमल्स। देन थर्ड इज एक्सेप्ट मोलर अदर मैमेलियन डेंटिशन हैव बीन लॉस्ट। तो मोलर को छोड़कर दूसरी जो मैमेलियन डेंटिशन वो लॉस्ट, जैसे प्रीमोलर का लॉस हुआ, पहले जो प्रिमिटिव मैमल थे उनमें 3143 पाया था, तो चार प्रीमोलर हुआ करते थे हाँ, और इंसीजर भी तीन होते थे ठीक है। फिर आया प्रोसीमियंस और न्यू वर्ल्ड मंकीज में, तो यहाँ पर इंसीजर कैनाइन और इंसीजर कैनाइन और प्रीमोलर मोलर 2133 आ गया टूथ फार्मूला, जिसमें कि तीन प्रीमोलर हो गए। और फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में एप्स में 2123 मीन्स टू प्रीमोलर हो गए, तो टू प्रीमोलर हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि मोलर तो रिटेंड है, लेकिन इंसीजर्स में और हमको यहाँ पर प्रीमोलर में लॉस दिखाई देता है। प्रिमिटिव मोलर में इंसीजर तीन है और बाद में हमको यहाँ पे इंसीजर दो दिखाई देते हैं न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में और एप्स एंड ह्यूमंस में। इसी तरह कैनाइन तो सेम है और मोलर्स भी सेम है, प्री मोलर्स में भी रिडक्शन दिखाई देता है। प्री मोलर्स चार थे प्रिमिटिव मैमल में, न्यू वर्ल्ड मंकीज में ये तीन हो जाते हैं और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एप्स एंड ह्यूमंस में ये दो हो जाते हैं। तो इस तरह हमको मैमेलियन डेंटिशन में तमाम टूथ जो है वो दिखाई देते हैं कि वो लॉस हुए समय के साथ साथ। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं मतलब प्राइमेट्स के, प्रोसीमियंस न्यू वर्ल्ड मंकीज ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड एप्स में। देन एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन विद सेरेब्रल कॉर्टेक्स पोस्टीरियर लोब एंड कैलकराइन फीचर, ये एक जो फीचर है वो हमें प्राइमेट्स में दिखाई देता है। दिस वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड फीचर कि ब्रेन जो है लार्ज होता है जिसमें कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, पोस्टीरियर लोब, कैलकराइन फीचर, ये सारे फीचर्स हमको प्राइमेट्स में दिखाई देते हैं खासकर हायर प्राइमेट्स में। एंड फिफ्थ पॉइंट इज थ्री काइंड्स ऑफ टीथ एटलीस्ट वन टाइम ऑफ लाइफ ओमनिवर्स डाइट ठीक है। तो इसमें चीक टीस होते हैं जिसमें प्रीमोलर्स मोलर्स होते हैं और इंसीजर्स और कैनाइन मिलते हैं। इसी तरह बोनी आई ऑर्बिट्स होती हैं जो कि आई जो होती है वो इनसर्कल्ड होती है बाय बोन्स, तो बोनी आई ऑर्बिट्स होती हैं। मिडिल ईयर विद द टेम्पोरल बोन, सिंपल स्टमक होता है, वेल डेवलप्ड सीकम, टेस्टिस डिसेंडेड स्क्रोटम, स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें टेस्टिस यहाँ पर डिसेंडेड होता है, ऑलवेज टू पेक्टोरल मैमे होते हैं। और जो लोअर प्राइमेट्स में प्रोजीमियंस हैं उनमें कुछ मल्टीपल ब्रेस्ट पेयर्स भी होते हैं। देन पेनिस पेंडुलस होता है, डेवलप विजुअल सेंस विद फॉरवर्डली सिचुएटेड आईज एंड थ्री डायमेंशनल मीन्स बायनोकुलर विजन जहाँ पे यहाँ पर डेवलप होता है। और स्मेल सेंस जो है रिड्यूस होती है और लॉन्गर जेस्टेशनल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। तो ये सारे और सोशल बिहेवियर भी डेवलप होता है प्राइमेट्स में, जैसा कि दूसरे मैमल्स में ये नहीं दिखाया देता है। तो इस तरह हमको ये फीचर्स मिलते हैं कि सम ऑफ द फीचर्स आर जनरलाइज्ड फीचर ऑफ प्राइमेट्स एंड व्हाइल अदर फीचर्स आर स्पेशलाइज्ड फीचर व्हिच आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द ऑर्डर प्राइमेट्स। यस, कंपैरिजन बिटवीन प्रोसीमी एंड एंथ्रोपोडिया। प्रोजिमी जो लोअर प्राइमेट्स होते हैं और एंथ्रोपॉइड्स हायर प्राइमेट्स होते हैं, इनमें लोरिसेस, लेमूर्स एंड टार्जियर्स आते हैं, जबकि एंथ्रोपॉइड्स में न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, पहला देख लेते हैं आर्बोरियल में वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लीपिंग मूवमेंट। तो ब्रांचेस टू ब्रांचेस या ट्रंक टू ट्रंक ये
लीप करते हैं, मीन्स एक एक दूसरी ब्रांचेस से कूद कर जाते हैं, और ब्रांच जो वर्टिकल ब्रांचेस होती है मीन्स जो ट्रीज की, उसमें अपने लिम्स के सहारे ये मूव करते हैं ऊपर की तरफ, और लीप भी करते हैं एक दूसरे ब्रांचेस से। तो ये आर्बोरियल इनमें लाइफ होती है, मीन्स ट्री पर ही रहते हैं, जबकि इनमें आर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल दोनों लाइफ होती है। एंथ्रोपोइड्स में इसमें न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और कुछ एप्स आर्बोरियल लाइफ होती है, जबकि ह्यूमन बींग और एप्स में टेरेस्ट्रियल लाइफ होती है। तो आर्बोरियल लाइफ और टेरेस्ट्रियल दोनों होती है, इनमें ब्रैकिएशन पाया जाता है, इसमें कि अपर लिम्स एप्स में बहुत लॉन्ग अपर लिम्स होती हैं देन हाइंड लिम्स, और उसकी सहायता से वो ब्रैकिएशन करते हैं ट्री टू ट्री, वो कैसे मूव करते हैं। फिर क्वाड्रुपेडल लोकोमोशन जो टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन होता है, उसमें चार पैरों से चलते हैं एप्स, और जो कुछ मंकीज होते हैं एप्स होते हैं। और ह्यूमन बीइंग में बाइपेडल लोकोमोशन पाया जाता है, जिसमें कि दो पैरों से इरेक्ट पोस्चर के साथ चलते हैं। कुछ एप्स भी ओकेजनली जो है, जैसे कि चिंपैंजी है या ओरंग है, ये भी कभी कभी ओकेजनली बाइपेडल लोकोमोशन शो करते हैं, नहीं तो ज्यादातर ये क्वाड्रुपेडल लोकोमोशन और ब्रैकिएशन शो करते हैं, जिसमें कि गिब्बन जो होते हैं वो ट्रू ब्रैकिएटर्स होते हैं। इनकी जो फूड हैबिट्स होती है वो इंसेक्टिवोरस और फ्रुगिवोरस, मीन्स प्रोसीमियंस जो होते हैं लोअर प्राइमेट्स, एक खासकर इंसेक्ट्स या फ्रूट्स को खाते हैं, जबकि एंथ्रोपॉड्स के केस में फ्रुगिवोरस मीन्स फ्रूट्स भी खाते हैं, और ऑमनिवोरस होते हैं मीन्स ये मीट और हर्ब्स दोनों खाते हैं, ये हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होते हैं, तो ऑमनिवोरस डाइट होती है इनकी। इसी तरह प्रोसीमियंस में मजल या स्नाउट फेस होते हैं, इनके फेस में स्नाउट होता है, मतलब लॉन्ग प्रोट्रूडिंग नोज होती है, नोज जो है वो आगे की तरफ निकली होती है, उसको स्नाउट कहते हैं, और आईज जो है लेटरली डायरेक्टेड होती है, जबकि इनमें एंथ्रोपॉइड्स के केस में शॉर्ट स्नाउट, मतलब नोज छोटी होती है और फॉरवर्ड आइड होती है, आईज जो है सामने की तरफ होती है, बाइनोकुलर विजन होता है। प्रोजीमी जो होते हैं इनमें मॉइस्ट राइनेरियम होता है, तो स्ट्रेप्सीराइन कहा जाता है, इसीलिए नेकेड मॉइस्ट राइनेरियम होता है नोज और हेयरी नहीं होती नोज, जबकि एंथ्रोपॉइड्स में राइनेरियम ड्राई और हेयरी होता है, ये हैप्लोराइन कहलाते हैं, जिसमें कि टार्जियस भी आ जाते हैं, कहीं कहीं प्रोसीमियंस में रखे जाते हैं टार्जियस और कहीं कहीं ये हैप्लोराइन्स में रखे जाते हैं। तो नेकेड मॉइस्ट राइनेरियम मीन्स नोज जो होती है नेकेड और मॉइस्ट होती है, नेकेड मीन्स विदाउट हेयर नॉट हेयरी, एंड हियर राइनेरियम ड्राई एंड हेयरी होती है इन केस ऑफ एंथ्रोपॉइड्स। अपर लिप अटैच टू गम्स, फेशियल मसल मोबाइल होती है, यहाँ पर गम से अटैच्ड होती है, जबकि यहाँ पर अपर लिप नॉट क्लेफ्ट, मतलब यहाँ पर जो दो मीडियल इंसीजर्स होते हैं उनके बीच में गैप नहीं होता है, ठीक है, लेकिन प्रोसीमियंस के बीच में जो मीडियल इंसीजर उनके बीच में एक गैप पाया जाता है, इसको हम क्लेफ्ट कहते हैं। तो क्लेफ्ट पाया जाता है प्रोसीमियंस में, एंथ्रोपॉइड्स में क्लेफ्ट नहीं होता, यहाँ पर अपर लिप अटैच गम से नहीं अटैच होती है, जबकि यहाँ पर अपर लिप अटैच होती है गम से, और यहाँ पर फेशियल मसल मोबाइल है जबकि यहाँ पर नहीं है। इसी तरह प्रोसीमियंस में मल्टीपल ब्रेस्ट हेयर्स पाए जाते हैं लोअर प्रोसीमियंस जो प्राइमेट्स हैं, जबकि यहाँ पर टू पेक्टोरल मम्मी पाई जाती है इन केस ऑफ एप्स एंड ह्यूमंस। आप यहाँ पर क्या है, प्रोसीमियंस के केस में ऑल्फैक्शन, मतलब जो स्मेल है उसमें ज्यादा डिपेंडेंस इनका होता है, इनमें जो स्मेल के लिए ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो सेंसरी ग्लैंड्स होती हैं, जब और लार्ज मूवेबल ईयर्स होते हैं जो स्कैन करते हैं साउंड के लिए, जबकि यहाँ पर इन केस ऑफ एंथ्रोपॉइड्स एप्स एंड ह्यूमंस या ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में ऑल्फैक्शन जो होता है मींस सेंस ऑफ स्मेल, उसमें रिडक्शन हो जाता है, और लार्ज मूवेबल ईयर्स भी एब्सेंट होते हैं, छोटे ईयर्स होते हैं यहाँ पर, और परफेक्शन ऑफ विजुअल अपर्टस, तो बायनोकुलर विजन यहाँ डेवलप होता है, विजुअल अपर्टस में परफेक्शन होता है, यहाँ पर बायनोकुलर विजन एब्सेंट होता है, लेटरली डायरेक्टेड आईज होती है, यहाँ फॉरवर्डली डायरेक्टेड आईज होती है, ये मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं जबकि यहाँ पर मोस्टली डायनल मीन्स दोनों मतलब दिन के तरह समय ये ज्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं, और ये मोस्टली ये रात के समय नाइट के समय एक्टिव रहते हैं। प्रेजेंस ऑफ टॉयलेट क्लब प्रोजीमेंस में, जैसा कि हमने पढ़ा था कि लेमोस एंड टार्जियस में टॉयलेट क्लब पाई जाती है लॉरिसिस में भी, और इनमें क्या होती है सेकेंड और थर्ड डिजिट जो होती है उनमें सेकेंड डिजिट लेमोर के केस में और टार्जियस के केस में सेकेंड एंड थर्ड डिजिट उसमें क्लॉ होती है, बाकी सभी नेल्स होते हैं लेकिन सेकेंड और थर्ड डिजिट में क्लॉ होती है, तो टॉयलेट क्लॉ कहते हैं, जो कि ग्रूमिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है इनके केस में, और थिक पैड भी पाई जाती है फिंगर टिप्स पे,
और टोज पे, जो कि इनको वर्टिकल लीपिंग और क्लिंगिंग मूवमेंट में हेल्प करती है। जबकि एंथ्रोपॉइड्स के केस में टॉलेट्रा नहीं होती है, नेल्स प्रेजेंट होते हैं सभी डिजिट्स पे एक्सेप्ट कैलिथ्राइसिटी। कैलिथ्राइसिटी फैमिली जो सिबोइडिया की है, वहां पर हमको टॉलेट्रा नहीं मिलते हैं। कैलिथ्राइसिटी में मतलब मिलते हैं और बाकी में नहीं मिलते हैं। ऑल डिजिट्स विद नेल एक्सेप्ट ग्रेड 2, ठीक है, तो सभी में ग्रेड 2 में सिर्फ नहीं मिलता है, बाकी में नेल होती है। ग्रेड 2 में क्लॉ होती है और ऑल द डिजिट्स विद नेल इन केस ऑफ कैलिथ्राइसिटी। अब टेल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर प्रोसीमियंस में, लेकिन प्रीहेंसाइल टेल नहीं होती है, जैसे कि लेमूर्स एंड टार्जियर्स में प्रीहेंसाइल नहीं होती है, और रिड्यूस्ड टेल या एब्सेंट टेल होती है लॉरिसेस के केस में। तो लेमूर्स एंड टार्जियर्स में टेल तो होती है पर प्रीहेंसाइल नहीं होती, मींस वो ग्रेस्पिंग पर्पस के लिए यूज नहीं की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो टार्जियर्स है, मतलब लेमूर्स एंड टार्जियर्स में तो प्रीहेंसाइल टेल नहीं होती है, टेल होती है पर प्रीहेंसाइल नहीं होती है, और लॉरिसेस के केस में टेल या तो कम हो जाती है या एब्सेंट हो जाती है। और डेंटल फॉर्मूला इनका 2133 होता है और टूथ कॉम्ब यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रीमोलर्स हैं और यहाँ पर प्रीहेंसाइल टेल्स है। प्रेटेराइने के केस में, न्यू वर्ल्ड मंकीज में टेल्स प्रीहेंसाइल है, क्रैस्पिंग पर्पस के लिए वो यूज करते हैं न्यू वर्ल्ड मंकीज। जब कैटेराइंस मतलब में आते हैं तो यहाँ पर टेल प्रेजेंट तो है पर प्रीहेंसाइल नहीं है, ठीक है, टेल प्रेजेंट बट नॉट प्रीहेंसाइल इन केस ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में ही हमको टेल मिलती, क्योंकि एप्स एंड ह्यूमंस में कैटेराइंस में टेल नहीं होती है। तो यहाँ पर टेल प्रेजेंट है बट प्रीहेंसाइल नहीं, मींस ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में टेल है तो, पर वो प्रीहेंसाइल नहीं, ग्रेसिव पर्पस के लिए नहीं यूज की जाती, जबकि इन केस ऑफ न्यू वर्ल्ड मंकीज टेल्स आर प्रीहेंसाइल एंड यूज फॉर ग्रेसिव पर्पसेस, व्हाइल इन केस ऑफ एप्स एंड ह्यूमंस टेल इज एब्सेंट, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला यहाँ पर हमने डिस्कस किया, अभी 2133 होता है। इन केस ऑफ प्रोसीमियंस 3 प्रीमोलर्स होते हैं, जबकि वो रिड्यूस हो जाते हैं 2123 में, मतलब 2 प्रीमोलर हो जाता है। इन केस ऑफ 3 ईयर ओनली 2 प्रीमोलर्स आर फाउंड, मतलब इन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एब्सेंट ह्यूमंस, ठीक है। तो 2 और टूथ कॉम यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो न्यू वर्ल्ड मंकीज में हमको 2132 और 2133 दोनों ही फॉर्मूला मिलता है न्यू वर्ल्ड मंकीज में, जिसमें कि 2 मोलर हो जाते हैं, मीन्स मोलर प्रेजेंट होता है या 3 मोलर होते हैं या 2 मोलर होते हैं, एक रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और 3 प्रीमोलर होते हैं। और यहाँ पर 3 प्रीमोलर से न्यू वर्ल्ड मंकीज से थोड़ा सा डिफरेंस है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से ह्यूमंस में, जहाँ पर 2 प्रीमोलर हो जाते हैं। तो जैसा कि प्रोसीमियंस में हमको दिखाया गया था 2133 फॉर्मूला, वही हमको न्यू वर्ल्ड मंकीज में भी 2133 मिलता है, लेकिन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एप्स एंड ह्यूमंस में 2123 फॉर्मूला मिलता है। डेंटल फॉर्मूला लेस कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है इन केस ऑफ प्रोसीमियंस, बट इन केस ऑफ एंथ्रोपॉइड्स हियर द ब्रेन इज मोर कॉम्प्लेक्स, और इसमें पोस्टीरियर लोब डेवलप हो जाती है, कैल्केनाइन फिशर डेवलप होता है और ऑसिपिटल बोन भी डेवलप होती है। तो इस तरह जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन है वो भी डेवलप हो जाता है। तो इसलिए एंथ्रोपॉइड्स में ब्रेन इज मोर कॉम्प्लेक्स, स्पेशली इन केस ऑफ एप्स एंड ह्यूमंस। हियर इज अ पिक्चर, द सोर्स इज पीनाथ बुक। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोसीमियंस और एंथ्रोपॉइड्स, जो इसको सीमियंस कहते हैं, प्रोसीमियंस एंड सीमियंस, इनमें क्या कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। जैसे कि यहाँ पे क्लेफ्ट पाया जाता है, 2 मीडियल जो इंसीजर्स हैं उनके बीच में एक गैप होता है, स्मॉल अपर इंसीजर सेपरेटेड बाय अ क्लेफ्ट, और ये यहाँ पर मतलब अपर लिप जो है वो अटैच होती है गम से, यहाँ पर जो है नहीं होती है, और फ्यूज्ड मैंडिबुलर सिम्फाइसिस पाई जाती है यहाँ पर सीमियंस के केस में, और लार्जर मोर फॉरवर्डली फेसिंग जो है आईज होती है, जबकि यहाँ पर मोर लेटरली डायरेक्टेड आईज होती हैं। यहाँ पर स्नाउट निकला होता है, यहाँ पर शॉर्ट स्नाउट होता है इन केस ऑफ सीमियंस, शॉर्ट स्नाउट एंड यहाँ पर लॉन्ग स्नाउट होता है। अब ये देखिए प्रोट्रूडिंग जो है यहाँ पे स्नाउट दिखा, मीन नेजल रीजन जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, यहाँ पर रिड्यूस्ड हो गया, तो रिड्यूस्ड स्नाउट हो गया। पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर यहाँ पर
तो ऑर्बिट्स यहाँ पर आईज आर एग्जैक्टली बोनी ऑर्बिट्स और यहाँ पर नहीं है, और ये लेटरली डायरेक्टेड आईज है जबकि यहाँ पर फॉरवर्डली डायरेक्टेड आईज है। यहाँ पर जो पोस्टीरियर लो मतलब जो जो फेशियल रीजन है वो लार्जर देन क्रैनियम है, जबकि एंथ्रोपॉइड्स के केस में या ह्यूमंस के केस में फेशियल रीजन इज स्मॉलर देन क्रैनियम, इज क्रैनियम रीजन इज लार्जर देन फेशियल रीजन, जबकि यहाँ पर क्रैनियम स्मॉल है फेशियल रीजन ज्यादा है। मैंडिबल भी बहुत ज्यादा मीन्स बिग है, लार्ज साइज का मैंडिबल है, टीथ भी बिग साइज के हैं, यहाँ पर टीथ की साइज में थोड़ा सा छोटे हुए हैं टीथ, और मैंडिबल भी उतना रॉबस्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह कुछ फीचर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह हम हैंड में देख लेते हैं, थंब अपोजेबल है और जो सेकेंड डिजिट है वो ग्रूमिंग क्लॉ मीन्स टॉयलेट क्लॉ के लिए यूज की जाती है, और यहाँ पे फिंगर टिप्स में कुछ पैड्स हैं जो कि ग्रेस्पिंग पर्पस में वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लिपिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ प्रोसीमियंस, बट हियर नो फिंगर पैड्स आर फाउंड, और थंब अपोजेबल है और क्लॉ की जगह या टॉयलेट क्लॉ है सेकेंड डिजिट में, बट यहाँ पर ऑल डिजिट्स आर फाउंड विद नेल्स, यहाँ पर सभी में नेल्स हैं इन केस ऑफ सीमियंस एंथ्रोपॉड्स। ठीक है, नाउ कम टू द कंपैरिजन बिटवीन प्लैटेनाइनी एंड कैटेनाइनी। अब जब हम एंथ्रोपॉड्स का डिवीजन देखते हैं तो एंथ्रोपॉडिया अगेन डिवाइडेड टू प्लैटेनाइनी एंड कैटेनाइनी, प्रोजीमियंस तो अलग हो जाते हैं, और एंथ्रोपॉड्स में दो डिवीजन होते हैं प्लैटेनाइनी और कैटेनाइनी। प्लैटेनाइनी जो होते हैं वो न्यू वर्ल्ड मंकीज होते हैं, और कैटेनाइंस में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ न्यू वर्ल्ड मंकीज एप्स एंड, और यहाँ पे कैटेनाइनी में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एप्स एंड ह्यूमन। अब बेसिक फीचर क्या होता है, प्लैटी मीन्स होता है फ्लैट, हाँ तो यहाँ पर शार्प नोज होती है कैटेनाइनी में और यहाँ पर फ्लैट नोज होती है। बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में यही होता है कि ये फ्लैट नोज होते हैं और ये शार्प नोज होते हैं। इनमें दोनों नॉस्ट्रिल सेपरेट होती है बाय ब्रॉड फ्लेसी नेजल सेप्टम, जबकि कैटेनाइन की केस में शार्प नोज होते हैं और नॉस्ट्रिल्स प्रोजेक्ट एंड पॉइंटेड डाउनवर्ड, और यहाँ पे आउटवर्डली डायरेक्टेड नॉस्ट्रिल्स होती हैं, फ्लैट नोज होते हैं प्लैटेनाइन्स, जबकि ये शार्प नोज और नॉस्ट्रिल्स जो होती है डाउनवर्डली पॉइंटेड होती हैं। टू नॉस्ट्रिल्स आर सेपरेटेड बाय नैरो नेजल सेप्टम इन केस ऑफ कैटेनाइन्स। इन केस ऑफ प्लैटेनाइन्स और न्यू वर्ल्ड मंकीज टेल इज प्रीएंसाइल, व्हाइल इन केस ऑफ कैटेनाइन्स इन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज टेल इज नॉट प्रीएंसाइल एंड इन एप्स एंड ह्यूमंस टेल इज एब्सेंट। ठीक है, तो टेल प्रेजेंट तो है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में पर प्रीएंसाइल नहीं, और एप्स एंड ह्यूमंस में तो एब्सेंट ही हो जाती है। फिर ईशियल कैलोसिटीज है वो एब्सेंट होती है न्यू वर्ल्ड मंकीज में, ओनली प्रेजेंट इन कैलीथ्राइसिडी फैमिली जिसमें कि मार्मोसेट्स आते हैं, तो जो सीवेडी फैमिली होती है उसमें नहीं पाई जाती है और लेकिन कैलीथ्राइसिडी में पाई जाती है। और स्कैटेराइंस के केस में जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं उनमें सर्कोपिथिसिनी में पाई जाती है, तो सर्कोपिथिसिनी में तो पाई जाती है, ईशियल कैलोसिटीज हाइलोबैटिड्स में पाई जाती है और पोंगिट्स में ओकेजनली पाई जाती है जिसमें चिंपैंजी आते हैं, कोलोबिनी में एब्सेंट होती है। तो सर्कोपिथिसिनी में ईशियल कैलोसिटी प्रेजेंट है बट कोलोबिनी में एब्सेंट है। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में दो होते हैं सर्कोपिथिसिनी एंड कोलोबिनी, कोलोबिनी में ईशियल कैलोसिटीज आर एब्सेंट बट हियर इन केस ऑफ सर्कोपिथिसाइन इट इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो कोलोबस मंकी होता है या सेमनोपिथिकस होते हैं में एब्सेंट होता है ईशियल कैलोसिटी। चीक पाउचेस जो ये भी कोलोबिनी में एब्सेंट है लेकिन सर्कोपिथिसाइन में प्रेजेंट है, जबकि प्लैटेनाइन के केस में चीक पाउचेस एब्सेंट है। तो यहाँ पर ईशियल कैलोसिटीज चीक पाउचेस दोनों एब्सेंट है न्यू वर्ल्ड मंकीज में, जबकि कैटेनाइंस में ईशियल कैलोसिटीज प्रेजेंट है और चीक पाउचेस भी प्रेजेंट है, और ये दोनों जो ईशियल कैलोसिटीज एंड चीक पाउचेस है उसमें चीक पाउचेस स्पेशली ओनली इन केस ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज पाए जाते हैं, जिसमें कि सिर्फ सर्कोपिथिसिनी फैमिली में ही पाए जाते हैं चीक पाउचेस, जबकि ईशियल कैलोसिटीज सर्कोपिथिसिनी फैमिली में पाए जाते हैं, हाइलोबैटिड जिसमें गिब्बन्स यमिंग आते हैं उनमें भी पाया जाता है, और पोंगेट्स जिसमें कि चिंपैंजी और ओरंगुटान गोरिल्ला ये सब आते हैं उनमें भी ओकेजनली पाया जाता है ईशियल कैलोसिटीज, लेकिन कोलोबिनी जो फैमिली है जिसमें कि कोलोबस मंकी आता है या जो सेमनोपिथिकस या हनुमान मंकी कहते हैं ये इनमें ये एब्सेंट होता है। ठीक है,
cheek pouches भी absent होते हैं और eyelashes velocities भी absent होते हैं in case of newer monkeys. अब इनमें arched nails पाए जाते हैं जबकि यहाँ पर flat nails होते हैं in case of catarrhines. Thumb and great toe slightly opposable होते हैं in case of newer monkeys, but here these are completely opposable. तो यहाँ पर थंब एंड ग्रेट टो कैटराइंस केस में कम्प्लीटली अपोजिबल होते हैं. इसी तरह यहाँ पर सिंपल स्टमक पाया था इन केस ऑफ न्यूबॉर्न मंकीज, यहाँ पर स्टमक सिंपल और सर्कुलेटेड दोनों ही पाए जाते हैं. कुछ में सर्कुलेटेड भी होते हैं और ज्यादातर में सिंपल भी होते हैं. फिर यहाँ पर डेंटल फार्मूला 2133 है न्यूबॉर्न मंकीज में. ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में तो 2133 ही रहता है लेकिन एप्स एंड ह्यूमंस में 2123 हो जाता है. ठीक है नहीं, प्लेटराइंस में ये 2133 रहता है लेकिन कैटराइंस में जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी एप्स एंड ह्यूमन सभी में ये 2123 होता है, 2123 ही होता है. ठीक है तो यहाँ पर दो प्रीमोलर हो जाते हैं जबकि यहाँ पर तीन प्रीमोलर. यही बेसिक डिफरेंस होता है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकीज के बीच में कि जो प्लेटराइंस होते हैं उनमें डेंटल फॉर्मूला 2133 होता है जो कि प्रोसीमियंस में भी पाया जाता है और डेंटा फॉर्मूला लेकिन ओल्ड मंकीज एप्स एंड ह्यूमन जो कैटराइंस होते हैं उनमें 2133 जिसमें कि एक प्रीमोलर यहाँ लॉस्ट हो गया है. पैलेट इज शॉर्ट लेकिन यहाँ पैलेट रिलेटिवली लॉन्ग है. बेसिक रेनियल एक्सिस लॉन्ग है प्लेटरानी के केस में, यहाँ पर बेसिक रेनियल एक्सिस जो है वो शॉर्ट है. टिम्पैनिक रिंग यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर एबसेंट है कैटराइनी के केस में. नाउ हियर इज कंपैरिजन बिटवीन सर्कोपिथेकोआर्डिया एंड होमिनोआर्डिया. अब सर्कोपिथेकोआर्डिया में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आते हैं और होमिनोआर्डिया में एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं. ठीक है जैसा कि हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा था तो सर्कोपिथेकोआर्डिया में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आते हैं, एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं होमिनोआर्डिया में. अब यहाँ पर सर्कोपिथेकोआर्डिया में देख सकते हैं कि ये जो एप्स एंड ह्यूमंस हैं वो लार्जर इन साइज है जबकि सर्कोपिथेकोआर्डिया में जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं वो स्मॉलर देन होमिनोइड्स होते हैं और शॉर्ट लाइफ स्पैन देन होमिनोइड्स होता है. यहाँ पर लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है. सर्कोपिथेकोआर्ड में टेल प्रेजेंट होती है जबकि यहाँ पर नहीं होती है टेल्स. तो यहाँ पर सर्कोपिथेसिनी और कोलोबिनी कोलोबस मंकी होता है और मतलब चीक पाउच मंकी और ये लीफ मंकी होते हैं यहाँ पर दो तरीके के जिसमें कि लंगूर्स आते हैं और हनुमान मंकी कहते हैं वो आते हैं. तो ये जो सेमनोपिथिकस होते हैं वो आते हैं. तो सर्कोपिथेकोआर्डिया में टेल तो प्रेजेंट होती है लेकिन ये प्रीहेंसाइल टेल नहीं होती है और यहाँ पर टेल एब्सेंट होती है एब्सेंट ह्यूमंस में. इसी तरह इनमें इशियल कैलोस्टीज जो है कोलोबिनी में एब्सेंट होती है लेकिन सर्कोपिथेसिटी में इशियल कैलोस्टीज पाई जाती हैं जबकि एप्स एंड ह्यूमंस में डू नॉट हैव इशियल कैलोस्टीज बट इन सम आफ्टर बर्थ इट मे ग्रो. तो कुछ में जैसे कि एप्स हैं उनमें कुछ बर्थ के बाद ग्रो कर जाती है लेकिन उनमें बेसिकली उनमें इशियल कैलोस्टीज नहीं होती है जबकि यहाँ पर सर्कोपिथेसिनी जो फैमिली है इनकी सर्कोपिथेकोआर्डिया की उनमें होती है लेकिन कोलोबस मंकी जो होते हैं कोलोबिनी के उनमें नहीं होती है. लेस कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है इन कंपेयर टू एज कम्पेयर टू मीन्स होमिनोइड्स. तो होमिनोइड्स में मोर कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वेल डेवलप होता है बट इन केस ऑफ सर्कोपिथेकोआर्ड्स लेस कॉम्प्लेक्स ब्रेन. देन स्मॉल ब्रेन साइज होती है टू बॉडी वेट रेशियो एज कम्पेयर टू होमिनोइड्स एंड हियर लार्ज ब्रेन साइज टू बॉडी वेट रेशियो इन केस ऑफ एप्स एंड ह्यूमंस. देन कम टू द डिफरेंस बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन. तो एप्स एंड ह्यूमन के बीच में हम डिफरेंसेस देख लेते हैं. यहाँ पर एप्स एंड ह्यूमन लिखा जाएगा, मिस्टेक हो गई है राइटिंग मिस्टेक. तो एप्स एंड ह्यूमंस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं. एप्स में क्या आते हैं, गिब्बन आते हैं जो स्मॉलर एप्स या लेसर एप्स कहलाते हैं और ग्रेट एप्स कहलाते हैं जिसमें कि आते हैं चिंपैंजी ओरंग और गोरिल्ला. तो इनमें ब्रैकिएशन भी पाया जाता है जिसमें गिब्बन जो है ट्रू ब्रैकिएटर्स होते हैं जबकि चिंपैंजी गोरिल्ला और ओरंग जो होते हैं वो सेमी ब्रैकिएटर्स होते हैं. क्वाड्रुपिडल लोकोमोशन भी पाया जाता है और ओकेजनली इनमें बाइपेडल लोकोमोशन भी चिंपैंजी में पाया जाता है. ओरंग उटान में भी ओकेजनली बाइपेडल लोकोमोशन पाया जाता है. सेमी रेड पोस्चर होता है जबकि यहाँ पर ह्यूमन बींग के केस में बाइपेडल लोकोमोशन होता है और इरेक्ट पोस्चर होता है. शॉर्ट थंब होता है विद लिमिटेड प्रिसीजन ग्रिप इन केस ऑफ एप्स बट हियर बिग थंब विद परफेक्ट प्रिसीजन ग्रिप. तो किसी चीज को मजबूती से पकड़ने का जो ये ग्रिप होता है वो यहाँ पर अच्छे से होता है, मतलब
प्रिसाइज एंड और इसी की वजह से ह्यूमन बींग में टूल बनाई की जो कैपेबिलिटी मतलब यहाँ पर हुई, ह्यूमन ने टूल बनाना जो शुरू किया था लोअर पैलेथिक कल्चर में, जो अर्लीस्ट होमो मतलब इरेक्टस थे ह्यूमन इवोल्यूशनरी स्टेजेस, तो उन्होंने बनाना शुरू किया था। और उनमें क्यों ये जो परफेक्ट प्रिसीजन ग्रिप डेवलप हुई थी इसी की वजह से, जबकि एप्स में ये चीज नहीं होती है, लिमिटेड प्रिसीजन ग्रिप होती है। अपर एक्सट्रीमिटीज अपर लिम्स जो है वो ग्रेटली इलॉन्गेटेड होती है, इसीलिए में ब्रैकेशन भी पाया जाता है अपर लिम्स, क्योंकि ज्यादा लंबी होती हैं, और यहाँ पर लोअर लिम्स ज्यादा लंबी होती हैं एज कम्पेयर टू अपर। तो अपर यहाँ पर शॉर्टर होती है और लोअर ज्यादा बड़े, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज ग्रेटली इलॉन्गेटेड होती है, जबकि एप्स के केस में अपर एक्सट्रीमिटीज ज्यादा इलॉन्गेटेड होती हैं। यहाँ पर लेस कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है, हर ह्यूमन में मोर कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है। क्रैनियल कैपेसिटी वैरी करती है, ओरम्स में 365 to 424 cc होती है, गोरिल्ला में 400 to 460 cc और चिंपैंजी में 400 to 500 cc रेस्पेक्टिवली होती है। जबकि यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स के केस में, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इनकी क्रैनियल कैपेसिटी 1300 to 1450 cc होती है। फिर यहाँ पर एप्स लैक पावर ऑफ आर्टिकुलेटिंग स्पीच, स्पीच मतलब ये अपने जो फीलिंग्स उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू, जबकि यहाँ पर दे हैव पावर ऑफ आर्टिकुलेटिंग स्पीच, तो इनके पास स्पीच का जो माध्यम है इसके द्वारा ये कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने लोगों के बीच में, जबकि ये इनके बीच स्पीच नहीं की पावर जो है वो आर्टिकुलेटिंग स्पीच की पावर ये लैक करते हैं, तो दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज और स्पीच, बट हियर दे हैव द पावर ऑफ आर्टिकुलेटिंग स्पीच इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। फेशियल पोर्शन इज लार्जर देन क्रैनियम इन केस ऑफ एप्स, बट हियर लार्ज क्रैनियम देन फेशियल पोर्शन, फेस फेस जो है स्मॉल होता है, जबकि क्रैनियम या स्कल का जो पोर्शन होता है वो बड़ा होता है। क्रैनियम बड़ा होता है, फेस स्मॉल होता है। जो स्कल में दो रीजन होते हैं फेशियल क्रैनियम, तो क्रैनियल लार्ज होता है फेशियल स्मॉल होता है, जबकि यहाँ पर फेशियल पोर्शन लार्जर होता है देन क्रैनियम इन केस ऑफ एप्स। लैक फोरहेड, लेस सेरेटेड सूचर्स होते हैं, जो आपस में फ्रंटल पेराइटल और सिपिटल जो बोन्स होती है वो सूचर्स के द्वारा जुड़ी होती है, तो यहाँ पर सेरेटेड मार्जिन्स में लेस होती हैं, जबकि यहाँ पर हाईली सेरेटेड सूचर्स होते हैं, उनके बीच के जो जोड़ होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो हाईली सेरेटेड सूचर्स होते हैं। वेल डेवलप्ड फोरहेड होता है, और यहाँ पर लैक फोरहेड, एप्स में फोरहेड नहीं होता है। देन मैसिव लार्ज मैंडिबल होता है जिसमें चिन नहीं होता, जबकि ह्यूमंस में स्लेंडर और लाइट मैंडिबल होता है और जो चिन इनमें प्रेजेंट होता है। इसी तरह लार्ज पॉइंटेड कैनाइंस होते हैं एप्स में, जबकि ह्यूमन में स्मॉल कैनाइंस होते हैं। यहाँ पर जो सुप्राऑर्बिटल रिजेस होती हैं वो आईज में वो सेपरेटेड होती हैं ह्यूमन बींग्स के केस में, जबकि गोरिल्ला के केस में फ्यूज्ड होती हैं, कंटिन्यू करती हैं ये भी चिंपैंजी में, और लेकिन सेपरेट होती हैं ओरंग्स में। तो ओरंग्स में सेपरेटेड सुप्राऑर्बिटल रिजेस होती है, लेकिन गोरिल्ला चिंपैंजी में फ्यूज्ड होते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स में सुप्राऑर्बिटल रिजेस सेपरेटेड होती हैं। फीट यूज फॉर ग्रेस्पिंग पर्पजेस, किसी चीज को होल्ड करने के लिए या ग्रैस्प करने के लिए, पकड़ने के लिए ये फीट यूज किया जाता है, और लोकोमोशन के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन ग्रैस्पिंग के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन के केस में ओनली यूज फॉर लोकोमोशन पर्पस, तो लोकोमोटरी पर्पस के लिए ही सिर्फ फीट यूज किया जाते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, मीट यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।